Welcome to yours informative channel Shelly Info. Today we will talk about types of adverb. Adverb का मतलब होता है ताबे फेल और types of adverb का मतलब है ताबे फेल की किस्में. हम types of adverb उर्दू में सीखेंगे और English में सीखने के लिए आप हमारी screen पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. हम सिर्फ types of adverb के basics सीखेंगे जो कि साथ होते हैं. एडवर्ब की पहली किस्म है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कसरत. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बयान करता है कि ये कार्रवाई या ये अमल कितनी कसरत से होता है. अंग्रेजी में 6 खास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, जैसे ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली मतलब नॉर्मली आमतौर पर, ऑफन यानी कभी कभार और नेवर यानी कभी नहीं. कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखते हैं. वी यूजुअली गो शॉपिंग ऑन सैटरडे, यानी हम आम तौर पर हफ्ते वाले दिन शॉपिंग पर जाते हैं. आई हैव ऑफन डन दैट. शी इज़ ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होती है. जगह की खसूसियात हमें बताती हैं कि ये अमल या ये कार्रवाई कहाँ होती है. जगह की खसूसियात आम तौर पर मरकज़ी फेल के बाद रखी जाती हैं. मरकजी फेल यानी मेन वर्ब. इसे भी कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखते हैं. बिल्लियाँ पीछे की तरफ नहीं चलती. आई टुक द चाइल्ड आउटसाइड, मैं बच्चे को बाहर ले गया. दे बिल्ट अ हाउस नियर बाय, उन्होंने घर करीब में ही बनाया है. एडवर्ब की तीसरी किस्म कंजंक्टिव एडवर्ब है. कंजंक्टिव वर्ड कंजंक्शन से निकला है, जिसका मतलब है किसी भी दो क्लॉजेज या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना. कंजंक्टिव एडवर्ब दो क्लॉजेस को तब्दील करके उनको फिर जोड़ता है. इसको एक आसान मिसाल के जरिए सीखते हैं. यू मस्ट डू योर होमवर्क, अदरवाइज यू माइट गेट बैड ग्रेड. आपको अपना होमवर्क करना ही चाहिए, वरना आपको बुरा ग्रेड मिल सकता है. एमी ने पियानो की प्रैक्टिस की, उसी दौरान उसके भाई ने वायलिन की प्रैक्टिस की. अब चलते हैं एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन की तरफ. इवैल्यूएशन का मतलब होता है तशखीस करना. ये वो एडवर्ब हैं जिसमें स्पीकर इंफॉर्मेशन देने के बजाय इवैल्यूएट करता है या कमेंट करता है या कोई ओपिनियन देता है किसी चीज़ के लिए या किसी बात के लिए. चले देखते हैं कि वो ओपिनियन क्या है. केविन इज़ क्लियरली अनहैप्पी टू बी देयर, यानी केविन बिल्कुल साफ तौर पर नाखुश था वहाँ होने से. Frankly speaking, I don't want to bother you. Frankly को as a friendly भी कहा जाता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती. Clearly he didn't mean to ignore you, यानी उसका मतलब आपको इग्नोर करना नहीं था. अब चलते हैं मेरे फेवरेट एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि ये एक्शन कब हुआ और कितना या कितनी कसरत से होता है. वक्त का फेल नाकाबिले तस्खीर होता है. चलिए इसको मिसाल के ज़रिए सीखते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ, यानी मैं एडवर्ब ऑफ टाइम अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. शी हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन वी रीच्ड देयर, वो ऑलरेडी वहाँ से यानी पहले से वहाँ से जा चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे. ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जल्दी उठता है. अब बारी है एडवर्ब ऑफ डिग्री की. ये एडवर्ब हमें बताता है कि ये एक्शन कितनी शिद्दत से यूज़ किया गया है, जैसे टू, इनफ यानी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली. इसको जल्दी से मिसालों के ज़रिए सीखते हैं. द वाटर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. द मूवी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी. आई रियली हेट ट्रैवलिंग बाई प्लेन, मुझे सच में नफरत है प्लेन में ट्रैवल करने से. अब है बारी टाइप्स ऑफ एडवर्ब के आखिरी एडवर्ब को सीखने की, जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कैसे और किस तरह ये एक्शन हुआ, जैसे क्विकली, स्लोली. मोस्टली इसमें एडजेक्टिव्स के आगे ली बनाकर ये एडवर्ब बनता है और इन एडवर्ब्स को मैनर एडवर्ब्स या मैनर एडवर्बियल्स भी कहा जाता है. चलते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स पर. शी वर्क्स ऑन कंप्यूटर स्मार्टली, वो कंप्यूटर पर स्मार्टली काम करती है. लायन रोर्स हॉरिबली,
दे आर स्टडिंग सीरियसली फॉर देयर कमिंग एग्जाम्स। एडवर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं ये हम अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। अगर आप बेसिकली एडवर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारी उर्दू ग्रामर सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।